हेलो पेट फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर उमेश शर्मा। टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेट ओनर्स। ऑलवेज वन क्वेश्चन अराइज इन देयर माइंड्स दैट हाउ मेनी टाइम्स वी शुड वेट अवर डॉग। सो व्हाट विल बी द एज अप टू द 3 month एज पपी शुड वॉक, हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर 3 month, व्हाट the what will be the frequency of bathing our dog, what will be the shampoo to use for bathing our dogs। तो ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, पेट ओनर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर 3 महीने तक का अगर पप्पी है आपका, तो 3 महीने तक आपको बात नहीं लेना है, बात नहीं कराना है। बात उसके लिए मार्केट के अंदर पेट शॉप पे ड्राई बाथ अवेलेबल है, ड्राई बाथ आप ले करा सकते हैं अपने पप्पी को और टॉवल से पहुँच सकते हैं स्प्रे करके। ड्राई बाथ एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल है तो एक टॉवल, साफ टॉवल, क्लीन टॉवल को मॉइस्ट करके उससे आप अपने डॉग पप्पी को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद 3+1 एज की अगर डॉग हैं आपके पास, तो उसको पप्पी हैं तो आप उसको 1 month, 1 महीने में एक बार आपको कराना है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, डस्ट हो रही है, डर्ट हो रही है, तो 1 महीने में 2 बार भी आप बात करा सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पैट्स को रखने के टाइम पे, आपको काम में आएगा। अगर फिर भी और भी कोई प्रॉब्लम होती है कि और भी ज़्यादा डस्ट आ रही है, बार बार आ रही है, तो आप फिर उसको 2 बार के बाद मॉइस्ट टॉवल से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको बात कराना चाहिए। बात करने के लिए आपके पास बहुत सारे मार्केट के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पूज अवेलेबल होते हैं, पेट शॉप से आपको लेके आ सकते हैं। प्रोपोर शैम्पू अवेलेबल है, प्रोपोर शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल है, कोई भी शैम्पू आप जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन फ्रेंडली हैं उनको आप यूज़ करें। 1 in 15 days कर सकते हैं, 1 in a month आफ्टर 3+ एज पे, 3 month की एज पे, 3 महीने के ऊपर अगर पेट डॉग्स हैं उनको कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डेली अगर बात कराते हैं, बहुत सारे लोग उनको जानकारी नहीं होती है पेट ओनर्स को, अगर डेली बात कराते हैं तो उसको स्किन आप जानते हैं ह्यूमन स्किन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऑयल ग्लैंड्स अवेलेबल होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स जो सेव करके रखती हैं स्किन फूड को हेल्दी करके रखती हैं। तो अगर डेली आप बात कराते हैं तो ऑयल ग्लैंड्स जो ऑयल है वो कम होता चला जाता है धीमे धीमे, और स्किन कहीं ना कहीं रफ होती है, डैंड्रफ आता है, इचिंग होती है, इचिंग होने के बाद धीमे धीमे रैशेस होते हैं, रैशेस के बाद धीमे धीमे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर आप वेट्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अगर आप पहले से ही प्रिवेंशन मेथड अपनाएंगे, अपने वेट से कंसल्ट जरूर करें, वेट से कंसल्ट करके कौन सा आपको शैम्पू यूज करना है, कौन सा अगर कुछ स्किन इन्फेक्शन है तो आप मेडिकेटेड शैम्पू अवेलेबल है मार्केट में वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करते हैं पैट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है और आपका तो पैट्स हेल्दी रहेगा, स्किन अच्छा रहेगा, है हेयर फॉल नहीं होगा, डर्मेटाइटिस के चांसेस कम होंगे। तो इसी वीडियो के साथ मुझे आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और ये जानकारी लेके आप अपने पैट्स पे यूज़ कर सकते हैं। So, thank you so much.